जब स्वाति ने गाया था तो रामलला का आगमन होने वाला था, अब हम जब बैठे हैं तो हमारे रामलला आ गए। तो गाने को थोड़ा सा चेंज किया है, मिलकर गाएंगे। राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, दीप जला के दिवाली हम मनाए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग गए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग गए हैं, पर बागेश्वर बालाजी ने 500 साल कैसे बिताए। सोचना, बागेश्वर बालाजी यही बैठे हैं हनुमान गढ़ी, जब से मंदिर टूटा था तब से खड़े थे वहीं, जब फिर से पधारे राम तब भी थे वहीं, जब पधारे राम 500 बरस बाद उस भवन में, उसके बाद हम बागेश्वर धाम आए हैं, ये विवाह महोत्सव अद्भुत निराला है, राम आ गए। याद रखिएगा, याद रखिएगा। वैसे तो पांचवां विवाह महोत्सव है, लेकिन मैं तो ऐसा भी मानता हूं ये गुरु जी की साधना है कि पांचवां विवाह महोत्सव होते होते 500 सालों की यात्रा पूरी हो गई। मेरे भाई बहन, इस इशारे को भी समझने वाले सब, स्वाति जी थोड़ी देर में गाएंगी, तुम बड़ी, गुरु जी बड़ी प्यारा गाती है। मैं तो एक दिन बड़ा सोचने लगा कि इतनी बड़ी गायिका और वो भी हमारे यूपी की रहने वाली, और हम लोग 25-30 साल की यात्रा में कहीं टकराई ही नहीं। अच्छा, 3 महीने से ही शुरू किया, माइक में बोलो,
जब से राम आएंगे वायरल हुआ ना, तभी से मैंने शुरू किया स्टेज करना। उसके पहले तो मैं सीख रही थी, BHU से मैंने म्यूजिक से ग्रेजुएशन किया, मुंबई से मैं मास्टर्स कर रही थी, यूट्यूब पे गा रही थी, और जब ये वायरल हुआ तब से मैंने स्टेज करना शुरू किया। क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि मुझे ऐसे ही नहीं जाना है किसी के बैंड में गाने के लिए, जब मेरे नाम पे लोग आएंगे, जब स्वाति मिश्रा को सुनने आएंगे मैं तब जाऊंगी, और भगवान ने वो चीज़ पूरा कर दिया। एक वाह वाह, तोरा के खूब आशीर्वाद। माई विंध्यवासिनी, माई दुर्गा कुंड वाली मैया, तो के खूब बढ़ावे।